जी, मेरा नाम है साहिल आनंद। मैं चंडीगढ़ से हूँ और अब बॉम्बे में हूँ। अब अगर मेरी मूवीज़ का सफ़र की बात की जाए तो मेरी पहली मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सेकेंड मूवी थी मेरी बबलू हैप्पी बाय नीलम माधव पांडा, एंड थर्ड मेरी थी जो अभी रिलीज़ हुई है अपना दिल तो आवारा, और ये अभी आने वाली है लव डे 23 सितंबर को। सर, ये किस तरह की मूवी है और रोमांटिक है, क्या है? जी, आप किस तरह की मूवी है आप इसी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ये डायरेक्टर्स हैं ये राजू हरानी के स्कूल से हैं, उनके अंडर उन्होंने काम कर रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि थ्री इडियट्स के जोन से कुछ मिलती जुलती, मतलब वो दोस्ती के ऊपर है, दैट्स राइट। मगर ये है कि इसमें बहुत ही, एक तो आपको रोड ट्रिप देखने को मिलेगा, एक जर्नी है हमारी 13 साल से 30 साल की देखने को मिलेगी, आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स देखने को मिलेगा, एंड इसमें कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, जो सिचुएशंस है वो कॉमेडी है हम। और ऐसा है कि जो एक दोस्त है हमारे महान, जो आप सब जानते होंगे, एजाज खान, जो मॉन्टी के नाम से उन्होंने प्ले करा है, तो उनकी वजह से मेरे और मेरा जो को मतलब मेरा जो एक और एक्टर है हर्ष नागर, उनकी लगती रहती है पूरी फिल्म में। लगती रहती है, मैंने कहीं कहीं ऐसे वर्ड यूज किए हैं जो जी, अब मैंने यही बोला है लगती रहती है, बाकी नाम तो आपको पता ही है पंजाबी है, जी तो कितना पंजाबी फ्लेवर है इस मूवी में? जी मेरा बिल्कुल भी पंजाबी फ्लेवर नहीं है, ये पंजाब की स्टोरी नहीं है, ये एक छोटा सा शहर देहरादून की हमने स्टोरी दिखाई है, उस तरफ की हिली एरियाज की वहाँ की स्टोरी दिखाई है, तो मैंने हिंदी बोली है इसमें, कुछ पंजाबी एक्सेंट नहीं दिखाया या पंजाबी बैकग्राउंड नहीं दिखाया है। इट्स अ सिंपल स्वीट स्टोरी ऑफ अ हिल स्टेशन, और वहाँ से स्टार्ट होती है, पहले एक गाँव में होते हैं, वहाँ से कैसे बचपन पे हमें निकाला जाता है। तो ये स्टोरी में आपको बहुत कुछ देखने का मिलेगा, आपने मतलब एक लोगों की बचपन से जो स्ट्रगल चलती है, दोस्तों की जो बचपन से साथ में होते हैं, जब वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे दूसरे शहरों में चल जाते हैं, वहाँ पे जब वो बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनती हैं, गर्लफ्रेंड्स टूटती हैं, शादियाँ होती हैं, शादियाँ टूटती हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत कुछ रोलर कोस्टर आपको देखने को मिलेगा। जी कहेंगे तो हमेशा इंसान सीखता ही है अपने एक्सपीरियंस से, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेरी पहली मूवी थी, उसमें मेरा कॉमेडी कैरेक्टर था पूरा, तो अलग था वहाँ पे एक्सपीरियंस। उसके बाद बहुत सीरियस हुआ, बबलू हैप्पी में मेरा बहुत ही सीरियस कैरेक्टर था, उसमें बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं थी, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसके बाद है अपना दिल तो आवारा में भी एक मस्त मौला लड़का था, और इसमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सीरियस टाइप ऑफ लव डे में जो मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत सीरियस टाइप ऑफ पर्सन है, सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही सिंपल है, डाउन टू अर्थ है, गरीब से हैं, पैसे नहीं है, वो स्ट्रगल है, तो बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स करने को मिले हैं, एंड आई वेरी हैप्पी कि मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स करने को मिले हैं, एंड आई ऑल्सो मेड श्योर कि मुझे वो सेम कैरेक्टर करने को ना मिले, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद मुझे रागनी एम एम एस 2 ऑफर की गई थी, जिसमें सिमिलर वही कैरेक्टर था जो मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में प्ले करा था, बट आई चूज नॉट टू डू द सेम थिंग एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट, सो ट्राई करा था डिफरेंट, एंड मैं सीख रहा हूँ, अभी भी सीखते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी सीखते रहेंगे। एक्टिंग एक ऐसी कला है जो जितना और करते रहेंगे और करते रहेंगे, बस आप सीखते ही रहेंगे, एंड आई वॉन्ट टू लर्न। या तीनों यंगस्टर हैं और सेम उम्र के हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कितना एंजॉय किया आपने मूवी में? जी बहुत एंजॉय करा, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये सिर्फ मेरे रियल टाइम फ्रेंड्स नहीं हैं अब, दे आर माई रियल टाइम फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड हर्ष बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका है, मतलब इट्स ओके, वो सामने बैठे इसलिए बोल रहा थैंक हूँ हाँ, तो वो बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, इज़ मोर लाइक अ ब्रदर टू मी, एंड एजाज भाई भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मैं उनको बड़े भाई जैसा लेता हूँ। मैं ये जैसे हर्ष ने भी बोला होगा कि अगर आप में असली फ्रेंडशिप नहीं है तो वो कैमरा पे नहीं दिखती, तो हम मिले तो इस मूवी के थ्रू ही थे, बट बाय गॉड ग्रेस हमारा कनेक्शन अच्छा रहा, वाइब्स मिली, अच्छी दोस्ती हुई, कनेक्ट हो पाए, और आज बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। सर टिशू, हाँ जी, हर्ष जब देख लिया करो ना यार, हर्ष तो बाहर चल रहा थोड़ी देर साहिल आप कब से मुंबई में हैं? जी मेरे को अब 6 साल होने वाले हैं सर, छह दिसंबर साल में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, चार चार फिल्में करना, क्या कहना चाहेंगे? सारा क्रेडिट किसको जाता है? जी क्रेडिट मैं कहूँगा कि हार्डवर्क को भी कह सकते हैं, फोकस को कह सकते हैं, क्योंकि मेरे इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है दूर दूर तक, तो वैसे मैं बताना चाहूँगा बाय स्टडीज़ आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे डैड दादू सब डॉक्टर्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी बर्डन और कैसी मुश्किलों के साथ मैं बॉम्बे आया था, और स्ट्रगल बहुत करा है, और स्ट्रगल से ही सब सीखा है,
और सर मैं बेसिकली ये कहूँगा कि अगर आप में जज्बा है कुछ कर दिखाने का, सीखने का, कुछ करने का, तो आप बस मेहनत कीजिए और आपको सब मिलेगा। बाकी या लक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं कहूँगा कि बाकी फील्ड्स में हार्डवर्क सबसे पहले होता है फिर लक आता है, मगर इस फील्ड में, हमारी फील्ड में, लक पहले है फिर हार्डवर्क है। बस मैं अपनी तरफ से मेहनत करता जा रहा हूँ, मूवीज़ कर रहा हूँ, अच्छी मूवीज़ कर रहा हूँ। आई होप कि लोग जाएं इस मूवी के लिए भी, अपना प्यार दें जो मुझे हमेशा देते आए हैं। एंड बाय योर ब्लेसिंग्स आई बिकम अ बिग स्टार विदाउट बींग एनी गॉड फादर। आई जस्ट हैव गॉड विद मी। कहता हूँ कि हर एक इंसान जो बॉम्बे आता है वो यही सोचता है कि हम मूवीज़ करेंगे, बट यहाँ का जब रियलिटी पता चलती है कि जो फैक्ट है इंडस्ट्री में, आउटसाइडर्स को इतना वेलकम नहीं किया जाता है, तो वो ही होता है। उसके बाद वो जाके एड्स करते हैं या टीवी में घुस जाते हैं या और 100 चीज़ें में घुस जाते हैं, मॉडलिंग में घुस जाते हैं। बट व्हाट आई फील दैट एवरीबडी वांट्स टू बिकम एन मूवी एक्टर। सो यहाँ आकर मेरा भी वही सपना था कि मैं मूवी, बट यहाँ आकर पता चला कि जी वो तो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। आप टीवी करें या आप एड्स करें वो ही करते जाएं। बट कहाँ से कोई कॉल आया, क्या हुआ, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन पसंद आ गया। एंड ऑल थैंक्स टू करण जौहर सर कि उनको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा एंड ही गेव मी अ ब्रेक। सर ये फील्ड हो, बाकी कोई भी फील्ड हो, कर रहे हैं सर वो अपनी तरह से, क्योंकि सर वही होता है ना कि पंजाब जोश बहुत होता है, तो वो जोश जोश में ना कुछ भी कर होश को गुजरते हैं, बैठते हैं, होश को बैठते हैं, चाहे वो बैठते हैं पीने के बैठते बाद हैं। होश को बैठते हैं या वो काम को लेकर, मतलब हर चीज में उनको जज्बा है। एक अजीब सी पावर आ जाती है उनके अंदर जब उनको कोई चीज फोकस दिखता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे अंदर भी है, जब मुझे कुछ करना है तो मैं ना इधर ना उधर, राइट, सिर्फ सीधा, लाइक आई गो फॉर इट। तो उसकी बात करें बबलू हैप्पी में आपकी जी इतना मस्त हो गया था कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था मैं मुंह कहाँ छुपाऊँ। जो हार्डकोर जी ने जो वहाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लाइव परफॉर्मेंस, तो जो मीडिया वाले हैं वो तो, हम तो पता ही नहीं चल रहा था मुझे कि मैं कौन से कैमरा में आ रहा हूँ, क्योंकि सारी मीडिया तो वहाँ नीचे कैमरा लेकर बैठ गए थे। तो बहुत ही अच्छा था। मगर मैं ये कहूँगा कि इंडिया में नहीं, मगर मैं जब फॉरेन जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरा गाना अभी भी चल रहा है, आज तो ब्लू हैप्पी है। और शादियों में बहुत बजता है सर, क्योंकि जिसकी भी शादी होती है उसके बाद कि कल होने वाली शादी है आज तो बब्लू हैप्पी है, तो ऐसा कुछ गाना था जी। आखिरी सवाल, हर किसी की चाहत होती है, एक दिल की इच्छा होती है कि मैं उसके साथ काम करूं। जी 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 जब से आप बॉलीवुड में जहन में आए कि बॉलीवुड में काम करना है, जी तो साहिल की क्या एक दिली तमन्ना है कि उसके साथ काम करना जी मेरे डायरेक्टर्स में अगर आप लेंगे तो मुझे इम्तियाज अली के साथ जरूर काम करना है। वो लाइक ही इज अ सुपर्ब डायरेक्टर, मुझे बहुत ही पसंद है जिस तरह से वो करते हैं। एंड अगर तो मैं इम्तियाज अली जी के साथ जरूर काम करना चाहूँगा। एंड करण जौहर तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे और अपॉर्चुनिटी देंगे आई वुड लव टू। एंड मतलब ये तो ड्रीम कम ट्रू से मतलब हो सकता है, मतलब एक और एक बड़ा चांस देना। बाकी ये दो डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा आगे जाके भी। एंड अगर एक्टर्स की बात की जाए तो पता नहीं मैं क्यों आई वॉन्ट टू शेयर माई स्क्रीन विद रणबीर कपूर, बिकॉज आई थिंक ही इज़ द बेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। लाइक उनके ऊपर एक्टर मुझे कोई दिखता नहीं है, चाहे हर चीज़ टेक्नैलिटीज एंड द फोकस, द हार्डवर्क ही पुट्स इन कोई भी मूवी हो, तो दैट शोज इन हिम। एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट एक्टर इन आर इंडस्ट्री राइट नाउ। वो या भी पंजाबी। वो भी पंजाबी। चलो हम दुआ करते हैं फिल्म काफी हिट हो थैंक यू सो मच और सर। अगली फिल्म का हमें इंतजार रहेगा कि इसके अलावा एक के बाद एक फिल्में करते रहे। थैंक यू।